Hi to all the internationally educated nurses there. I am Navkiran and today I have a very big update for those internationally educated nurses who want to become a registered nurse in Alberta. Basically, there is a very big update from College of Registered Nurses of Alberta and this update came on April 4th, 2023. Basically, CRNA like अदर बोर्ड्स ऑफ यू नो कैनेडा जैसे जो सी एन ओ है या नोवा कौशिया बोर्ड है इन बोर्ड के जैसे दे हैव टेकन अ डिसीजन टू मेक द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर रजिस्टर्ड नर्सेज बहुत फास्ट एंड इकोनॉमिकली एफिशियंट तो इसी इफेक्ट के अंडर इन्होंने कुछ रूल्स जो है वो लॉन्च करे हैं तो आइए देखते हैं वो रूल्स क्या एक्चुअली फ्रेंड्स बहुत सारी uh, मतलब प्रोविंसेस हैं कनाडा में जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ द लेस नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन देयर हेल्थ केयर फेसिलिटी इसीलिए अल्बर्टा जो है इनको भी ये सेम दिक्कत आ रही थी एंड दे हैव डिसाइडेड टू रिव्यू द रूल्स फॉर इंटरनेशनली एडुकेटेड नर्सेज बेसिकली इंटरनेशनली एडुकेटेड नर्सेज की प्रोसेस में बहुत सारे बैरियर इन्होंने रिकॉगनाइज किए जिनमें से एक बहुत बड़ा बैरियर था एनएनएस बिकॉज एनएनएस काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है और आपकी रिपोर्ट आने में कई बार साल भी लग जाता है तो बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि एनएनएस को ऑल टुगेदर बाईपास करने की प्लानिंग है और इसके अलावा करेंगे मतलब आप लाइसेंस कैसे लेंगे अगर एनएनएस नहीं होगा तो इवेलुएशन कैसे होगी तो इवेल्युएशन डायरेक्टली करेगा सीआरएन ए दैट इज कॉलेज ऑफ रजिस्टर्ड नर्सिस ऑफ एल्बर्टा आपको उनके पास एप्लीकेशन डालनी होगी तो इन्होंने दो तीन प्रोविजंस दी हुई हैं वैसे ये काफी हद तक नोवा कोशिया बोर्ड के रूल्स के जैसी ही हैं तो नंबर वन ये बोला गया है कि अगर आप किसी भी जूरिस्ट के साथ रजिस्टर्ड हो जैसे कि मैं इंडिया में रजिस्टर्ड हूं लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल तो अगर मेरा एनक्लेक्स भी साथ में क्लियर है तो मुझे सिर्फ सी आर एन ए बोर्ड के साथ एक एप्लीकेशन खोलनी होगी एंड देन आई कैन गेट माई लाइसेंस इसके अलावा उन्होंने कुछ स्पेशल uh, मतलब कुछ नेम्स जो है वो कंट्रीज के मैंशन किए हैं जिनकी ज्यूरिस अगर आपके पास है तो आप बड़ी आसानी से लाइसेंस ले सकते हो एनक्लेक्स आर एन क्रैक करके जैसे कि यूनाइटेड स्टेट से हो यूनाइटेड किंगडम से हो ऑस्ट्रेलिया इंडिया नाइजेरिया जोका फिलीपीन्स आयरलैंड एक्जेट्रा तो बहुत सारी कंट्रीज का पे लिखा हुआ है अगर इन कंट्रीज में आप अभी रजिस्टर्ड हो तो एनक्लेक्स की प्रोसेस में है क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि जिन्होंने ऑलरेडी एनएनएस स्टार्ट कर लिया अब उनको क्या करना है तो आगे देखते हैं उनका क्या होगा वेल well, अगर आप एनएनएस की प्रोसेस ऑलरेडी कर चुके हैं और आपकी रिपोर्ट आ चुकी है अगर वो नॉट कॉम्पेरेबल है या समवर्ड कॉम्पेरेबल है तो सेम एज ऑन टेरियो आपको एनक्लेक्स आर की एलिजिबिलिटी लेके यू विल हैव टू क्रैक एनक्लेक्स आर और उस एनक्लेक्स आर को आप सबमिट करवा सकते हैं अल्बर्टा बोर्ड को एंड दे विल गिव यू लाइसेंस ओके एंड इन एडिशन टू दिस उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर आप एक ऐसे एप्लीकेंट uh, हैं जिन्होंने कभी पास्ट में अल्बर्टा बोर्ड को एप्लीकेशन डाली थी कि मुझे रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस दो लेकिन आपको लाइसेंस मिला नहीं तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी अब डोर्स जो हैं वो ओपन हैं तो आप इनके बोर्ड दैट इज सी के साथ दोबारा से कॉन्टेक्ट करिए इन्होंने अपनी आई थिंक अलग से कोई हेल्पलाइंस जो है वो शुरू करी हुई है इन क्लाइंट्स के लिए तो आप इनको डायरेक्टली अब अप्रोच कर सकते हो उन्होंने लिखा हुआ है आप कहीं से भी अप्रोच कर सकते हो तो आप अप्रोच इनको करिए इनको कांटेक्ट करिए और इनसे पूछिए कि अब मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो तो यहां पे उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात जो है वो लिखी हुई है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो पिछले बहुत साल से कनाडा में हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट है जो पिछले सात आठ साल से कनाडा में है लेकिन आप रजिस्टर्ड नर्स नहीं बन पाए हो आ, इस वजह से क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा थी फॉर एग्जांपल एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट आपकी खत्म हो चुकी थी वापिस आप अपनी होम कंट्री में जा नहीं पाए एंड यू नॉट एबल टू टेक लाइसेंस तो ऐसे क्लाइंट्स के लिए उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि अगर आपका एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस जिसको वो बोल रहे हैं करेंसी ऑफ प्रैक्टिस अनफिल्ड है मतलब फुलफिल uh, नहीं हुआ है इट्स स्टिल आउटस्टैंडिंग तो उस केस में इनका एक एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं आरनेप ओके ये ऑस्की के जैसा एग्जाम होता है इस एग्जाम को पास करके आप अपनी एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस मीट कर सकते हैं अगर आप आरनेप क्रैक कर लेते हैं तो आप प्रोविजनल परमिट यानी कि इनके टेम्पररी लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं उसके बाद जब आपका एनक्लेक्स आर क्रैक हो जाएगा तो उसको सबमिट करा के आप अपना परमानेंट लाइसेंस ले सकते हो तो कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अभी भी रहेंगी अल्बर्टा बोर्ड की फुलफिल करने के लिए जैसे जुरू स्टूडेंट्स एग्जाम होगा इनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी वही रहेगी इन एडिशन टू दिस पुलिस क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक एंड फिटनेस टू वर्क ये सारी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी लेकिन फिर भी हम अप्रिशिएट करते हैं इनके इस एफर्ट को जो कि ये इंटरनेशनली एडुकेटेड नर्सेज के लिए ले रहे हैं क्योंकि पहले एक रजिस्टर्ड नर्स बनना बहुत ही मुश्किल था लेकिन अब ये बहुत फास्ट हो चुका है अगर आपको भी अपनी प्रोसेस शुरू करनी है एनक्लेक्स आर की तैयारी करनी है तो आज ही हमें कॉन्टैक्ट करो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूं कोई भी आपको और एक्स्ट्रा इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें आज ही कॉल करो एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर